हेलो नमस्कार सत श्री अकाल भाई साहब, और एक बार फिर से सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है जी। और आज हम लोग ना एक ऐसे जगह पर आए हैं ना जहां पर हम लोग पहले आ चुके हैं, लेकिन भाई साहब यहां पर आने का मेरा खास कारण क्या था कि जो पहले हमने वीडियो बनाया था ना उस वीडियो में हमने बस टेस्ट किया था, आपको बताया था इस जगह के बारे में, लेकिन आज हम लोग प्रॉपर मेकिंग दिखाने वाले हैं। जगह कौन सी है, आप मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं ये बोरिंग रोड चौराहा से सीधे ये रास्ता आ रहा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो ये रिलायंस आप बोल सकते हैं ट्रेंड्स, और उसी के आप आगे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम, मतलब बोरिंग रोड में ना एकदम खाने का एकदम ये वाला जो एरिया है ना एकदम हब एरिया है, ठीक है। और इसी हब एरिया में बहुत सारी चीज़ आपको मिलते हैं खाने के लिए, और यहीं पर ये जो इकलौता जगह है ना यहाँ पर आज मिलने वाला है एकदम बेस्ट सस्ता, सबसे सस्ता मटन और सबसे सस्ता चिकन। लेकिन भाई साहब सस्ता होने के साथ सबसे बढ़िया यहाँ का USP क्या है ना, काफ़ी टेस्टी, मतलब काफ़ी बढ़िया और जायकेदार यहाँ का मटन है और चिकन भी। हमने लास्ट टाइम जब यहाँ ट्राई किया था ना तो चिकन ट्राई किया था, और मुझे याद था कि ये चिकन जो था ना बहुत बढ़िया मुझे लगा था खाने में, मतलब पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन था। तो मैंने सोचा कि आज प्रॉपर आप लोगों को यहाँ का प्रॉपर वीडियो दिखाया जाए, तो चलिए चलते हैं पूरे वीडियो को देखते हैं। और जगह जो है ये जगह आप लोगों के लिए काफ़ी खास है, और बस बने रहे हमारे साथ और मज़ा लेते रहे एकदम लहरिया लूटते हुए। ये चिकन की तैयारी स्टार्ट हो गई है, कितना केजी चिकन भैया आज बनने वाला है? 6 केजी चिकन। ये देखिए भाई साहब ये तेल गया, चिकन का काफ़ी बढ़िया प्रिपरेशन, और ये गया जीरा, ये गया ऊपर से जीरा, इसके ऊपर गया तेज पत्ता भाई साहब, ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, और ये गया मिर्चा भाई साहब, ये गया लाल मिर्च, और अभी प्याज का बारिश होने जा रहा है, ये देखिए भाई साहब, अरे गजब कितना बढ़िया। कितना प्याज है लगभग भैया? 5 केजी। अच्छा 5 केजी चिकन में 5 केजी प्याज, चलिए अच्छा 6 केजी चिकन, माफ़ करिएगा 6 केजी चिकन में 5 केजी प्याज, बहुत बढ़िया क्वांटिटी प्रोपोर्शन है। और ये देखिए ये गया नमक, ये गया भाई साहब नमक, और ये थोड़ा सा पानी गया, अच्छा पानी ऊपर से पहले ही थोड़ा सा, अच्छा और ढक दिया गया भाई साहब। कितने देर तक इसे अभी रखा जाएगा? आधा घंटा तक। अच्छा अच्छा ये देखिए भाई साहब ये प्याज को आधे घंटे तक लगभग छोड़ा गया है और उसके बाद निकाला गया। ये देखिए कितना बढ़िया इसका जो रोगन है ना, ये प्याज पूरा मिक्स हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया एकदम ग्रेवी के लिए जो है ना वो पूरा बेस तैयार हो गया, ये देखिए कितना बढ़िया, ये बहुत बढ़िया यहाँ का जो टेस्ट है ना काफ़ी यूनिक टेस्ट मुझे लगा है, और इसे फिर से ढक दिया गया और भाई साहब इसे फिर से अभी हटाया जा रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर, देखिए भाई साहब काफ़ी बढ़िया कलर, और छींटे एकदम उड़ रहे हैं भाई साहब, और प्याज पे ही सारा बेस तैयार किया जा रहा है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मुझे अभी लग रहा है कि ये चिकन तैयार होने वाला है, पता चल जाता है शुरू में। और इसे चलिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इसे अभी चलाया जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया, और चिकन का ये प्रॉपर प्रोसेस हम यहाँ आप लोगों को दिखा रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर भाई साहब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर के लिए फिर से ढक दिया जा रहा है इसे, ये देखिए भाई साहब ये लहसुन पेस्ट, ये लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया गया है, काफ़ी बढ़िया जो है ना ये बहुत देर तक इसे चलाया गया है, एंड फाइनली लहसुन अदरक ये सारे अदरक भी है ना मेरे ख्याल से, अदरक अच्छा लहसुन अदरक जीरा गोलकी सभी चीज़ है, ये देखिए इसमें मिला दिया गया है भाई साहब, कलर देखिए कितना बढ़िया है। आज प्रॉपर तरीके से हम लोग चिकन का एक मेकिंग देखने वाले हैं भाई साहब, यहाँ का चिकन मैंने एक बार पहले ट्राई किया है, बहुत ही लाजवाब बहुत ही शानदार, और अगर बोरिंग रोड में अगर आप आते हैं एक बार तो यहाँ का जायका बनता है भाई साहब, और अगर नहीं भी आते हैं तो एक बार यहाँ आना बनता है भाई साहब। ये देखिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मतलब भूजा और भाई साहब ये लाल मिर्च ऊपर से ये देख सकते हैं कितना बढ़िया, मतलब अच्छे तरीके से इसे एकदम, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डाला गया है लाल मिर्च, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हैवी जो ग्रेवी है वो तैयार होता है। और ये गया भाई साहब हल्दी, एकदम देखें कलर टेक्सचर, तो वैसे मुझे अभी लग रहा है कि टेक्सचर अभी है, हल्की सी हल्दी की ज़रूरत है। ये गया भैया धनिया, अच्छा धनिया, ये देखिए भाई साहब काफ़ी बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं,
वीडियो को पूरा सपोर्ट करिए भैया, पूरा सपोर्ट करिए। और ये गया मेथी पत्ता, अरे गजब, एकदम अच्छे तरीके से गार्निश करने के लिए मेथी पत्ता एकदम, देखिए कॉम्बिनेशन देखिए भाई साहब, और एकदम अभी इसे एकदम चौचक तरीके से मिलाया जा रहा है। और कल का वीडियो, अगर पुराना वाला वीडियो, कल नहीं बल्कि लास्ट वीडियो, इसके पहले का वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर हांडी मटन स्टू चिकन स्टू मैंने दिखाया था। और आज आपके सामने इस नए टेस्ट को लेकर, एक बेहतरीन टेस्ट को लेकर आपके सामने हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से, अभी इसे और भी कितना देर चलाया जाएगा, इसको 15 मिनट तक चलाया जाएगा, 15 मिनट तक चलाया जाएगा। ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं गाइस, ये कलर देखिए भाई साहब, धीरे धीरे एकदम कलर जो है ना इसमें आना शुरू हो चुका है। 10-15 मिनट तक इसे छोड़ा जाएगा, इसके बाद फिर इसके आगे की तैयारी होगी। ये देखिए लगातार इसे चलाया जा रहा है, काफ़ी देर से, और बहुत ही बढ़िया तरीके का जो टेक्सचर है ना भाई साहब, वो आपको अभी मिलना शुरू हो चुका है। ये देखिए भाई साहब, नज़दीक से थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ये एकदम कितना बढ़िया रंग, कितना बढ़िया रंग निकल गया है, ये देखिए एकदम कितना बढ़िया, क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। और देखिए भाई साहब कलर देखिए, कलर कितना बढ़िया है, एकदम निखर के आ रहा है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया, काफ़ी बढ़िया सा कलर है भाई, काफ़ी बढ़िया सा कलर है। अब शायद समय आ चुका है जब इसमें चिकन जाने वाला है, और बहुत देर, लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा अभी तक मैंने ना इतना चिकन मैंने देखा है, रेसिपी इतना चिकन तैयार होते देखा है, लेकिन इतना देर तक मसाला तैयार किया जाने वाला ये पहला जगह मैंने देखा है, जहाँ पर इतने शिद्दत के साथ मसाले को तैयार किया जाता है और उसे फ्राई किया जाता है। ये देखिए भाई साहब, इसमें चला गया है अभी चिकन का पीसेस जो है, धीरे धीरे डाला जाना शुरू हो चुका है। ये देखिए धीरे धीरे करके सारे चिकन के जो पीसेज हैं वो इसमें डाल रहे हैं। और देखिए लेग जो है ना, ये अलग से व्यवस्था लेग का यहाँ पर है। और ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कितना बढ़िया, क्योंकि लेग जो है ना शायद वो अंतिम में जाए, क्योंकि बहुत जल्दी वो तैयार हो जाता है। और ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, और एक बार यहाँ के लिए ना चिकन लवर एक बार ज़रूर आइए, एकदम रिक्वेस्ट है, हाईली रिकमेंडेशन जगह है चिकन के लवर्स के लिए। ये देखिए भाई साहब, ये गजब। और भाई साहब फाइनली देखिए इसे एकदम अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। सो कलर एंड टेक्सचर अगर बात किया जाए तो काफ़ी बढ़िया एकदम, आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी बढ़िया। सो यहाँ पर जो टेक्सचर है ना काफ़ी बढ़िया, और लगभग तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा भुने जा रहे हैं हम मसाले, और प्रिपरेशन भाई साहब काफ़ी बढ़िया। और इसे थोड़ी देर के लिए ढक गया, कितना देर अभी इसे ढका गया है, 5 मिनट के लिए। अच्छा 5 मिनट के लिए, ये देख सकते हैं गाइस। और ये देखिए भाई साहब, अब मटन की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए भाई साहब, चिकन का एकदम अच्छे तरीके से एकदम अभी इसे भुना जा रहा है, चिकन की तैयारी काफ़ी बढ़िया है, एकदम आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से इसे मिलाया जा रहा है, अभी काफ़ी बढ़िया तरीके से, काफ़ी देर भुजा गया है भाई, मतलब विश्वास नहीं होता कि चिकन के लिए भी इतना समय लगता है, लेकिन वाकई में इसका जो टेस्ट होने वाला है ना वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। ये देखिए भाई साहब, ये तेल डाल दिए गए हैं, आज कितना मटन बनने वाला है, 4 केजी मटन है, चलिए 6 केजी चिकन और 4 केजी मटन, यानी 10 केजी का टोटल आज यहाँ पर कारोबार होने वाला है भाई साहब। ये देखिए तेल डाल दिया गया, ये देखिए भाई साहब इसमें डाल दिया गया जीरा, ये जीरा, और ये लाल मिर्च, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस लाल मिर्च डाला गया है, और अब आने वाला है तेजपत्ता इसमें, और अब तेजपत्ता जाने वाला है भाई, ये देखिए भाई प्याज का बरसात, ये मटन के लिए प्याज की बारिश जो है भाई साहब, ये देखिए एकदम ये प्रॉपर आज जो है ना भाई साहब, ये कितना मटन लगभग होगा, 4 केजी है, और प्याज कितना है, 3.5। अच्छा 3.5 केजी, चलिए 4 केजी मटन, मैंने दोबारा वेरीफाई कर लिया,
और 3.5 kg प्याज, काफ़ी बढ़िया प्रपोर्शन है भाई साहब। और भाई मुझे एक चीज़, मुझे मैंने इतना वीडियो बनाया है ना, यहाँ पर बहुत भूजा जाता है भाई, मतलब आप विश्वास मानिए कि मैं जितना दिखा रहा हूँ ना, अगर मैं पूरा वीडियो दिखाऊँ ना बाकी जैसा, तो मुझे 2 घंटा लगेगा इस पूरे, क्योंकि इतना देर यहाँ तैयार किया गया है ना, मतलब क्या बताऊँ। और देखिए ये एक तरफ मटन के मसाले हैं, और इधर देखिए भाई साहब चिकन, देखिए ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, लगभग लगभग, कलर कितना बढ़िया है, अरे गजब भैया। और इधर देखिए एकदम दोनों सगे भाई जो है ना, मटन और चिकन एकदम अगल बगल, आजू बाजू, क्या बोलते हो भैया। थोड़े से इसमें पानी डाले गए हैं हल्के से, जैसे चिकन में डाल दिए गए थे ना, हल्के हल्के थोड़े से, मतलब हाफ मग जो है ना पानी इसमें डाले गए हैं। ये देखिए मटन को कितना बढ़िया तरीके से धोया जा रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि मटन धुलाया जा रहा है या नहीं धुलाया जा रहा है, ये देखिए भाई साहब कितना बढ़िया तरीके से साफ़ किया जाएगा मटन को। और भाई साहब बहुत साफ़ करने के बाद पूरे तरीके से एकदम यहाँ मटन आ चुका है, और ये अब मटन इसमें डलाने वाला है। देखिए कितना बढ़िया मटन है, कितना बढ़िया मटन, ये देखिए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपका पहले नाम बताइए मेरे व्यूवर्स को। अवधेश कुमार। मुकेश जी ना, अवधेश, चलिए अवधेश जी मुझे एक चीज़ बताइएगा, मटन जो है बहुत लोग बोलते हैं कि मटन मुझे सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एक बार बताइए कि मतलब मटन कैसे लाते हैं, और मतलब कैसे, मतलब कैसा मटन है। मटन तो सही है ना, मटन बढ़िया है। चलिए एकदम अच्छा, मटन को पहचाना कैसे जाता है, अच्छा मटन को, अच्छा मटन को कैसे पहचाना जाता है, कलर से अच्छा। पीसेस वाइट रहते हैं है कि नहीं, ये देखिए मटन काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, एकदम बढ़िया मटन, एकदम इनका दावा है। और ये देखिए भाई साहब कितना बढ़िया मटन, मटन लवर कितने हैं भैया, अरे हो भाई साहब तो लाइक करिए ना, लाइक ठोकिए, एक एक साथ आजकल आपको दिखा रहे हैं, अलग मटन वीडियो नहीं बना रहे हैं आजकल, मटन के साथ चिकन कॉम्बो कर रहे हैं भैया। ये देखिए भाई साहब काफ़ी बढ़िया ये पूरा, और ये देखिए भाई साहब यहाँ पे चिकन और उधर मटन तैयार हो रहा है। ये चिकन का कलर देखिए भाई साहब, ये चिकन का कलर मैं दिखा दूँ, कितना बढ़िया चिकन का कलर आपको देखने को मिल रहा है, एकदम प्रॉपर कलर आ चुका है एकदम चिकन में। अभी चिकन कितना देर में तैयार हो जाएगा, 10 से 15। अच्छा 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा, ये देखिए भाई कितना बढ़िया कलर भाई साहब। और देखिए यहाँ साथ में लिट्टी वगैरह भी एकदम तैयार किया जा रहा है, लिट्टी को एकदम स्टफ़ किया जा रहा है सत्तू के साथ भाई साहब, कितना बढ़िया। और एकदम ट्रेडिशनल जो आँच है ना, ये आँच पर एकदम डाला जाएगा, अरे गजब, मटन के साथ लिट्टी खाइए, चिकन के साथ लिट्टी खाइए, कुछ भी खाइए भाई साहब। ये गया है नमक स्वाद अनुसार, ये देखिए स्वाद अनुसार नमक, और इसके बाद ये हो गया लहसुन पेस्ट है, लहसुन इसमें क्या क्या है, आधी जीरा गोलकी, अच्छा आधी जीरा गोलकी लहसुन सारा कुछ मिक्स पेस्ट है एकदम। देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसमें डाला गया है भाई, एकदम अच्छे तरीके से, ये देखिए ये गया हल्दी भाई साहब, ये देखिए एकदम हल्दी, कितना बढ़िया एकदम कलर जो है वो प्याज का, आप देखिए ये गया आपका हल्दी के साथ, मिर्चा लाल मिर्च का पाउडर, ये देखिए कितना बढ़िया भाई साहब। और इसके बाद जाने वाला है यहाँ पे धनिया, धनिया पाउडर, ये देखिए भाई साहब, आए हाय क्या बात है भाई, ये देखिए भाई साहब इसे अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है, ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से एकदम फैलाया गया है, और इसे ढक दिया गया बिना मिलाए हुए, अभी मिलाया नहीं जाएगा ना, अच्छा ये देखिए चिकन का कलर भैया, चिकन का कलर देखिए भाई साहब, ये भाई साहब देखिए लेग इसमें ऊपर से अभी डाला गया, अच्छा लेग ऊपर से क्यों डाले, फट जाता है इससे, अच्छा मतलब गल जाता है इसलिए, अच्छा कलेजी और लेग पीस दोनों ऊपर से डाला गया है ताकि ऐसा ना हो कि गल जाए टूट जाए पीसेस, फिर आप लोगों का क्या होगा भाई साहब, जो लोगों को लेग पीस से इतना प्यार है भाई ये देखिए वीडियो को प्यार दीजिए भाई। ये जाने वाला है आपका चिकन मसाला, ये देखिए चिकन मसाला ये जा रहा है भाई साहब, क्या मतलब टेक्सचर है भाई, सो टेक्सचर आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी बढ़िया, और इसे ढक दिया गया, ये देखिए भाई साहब अभी इसे हटाया जा रहा है, ये देखिए
जिस हाल में छोड़ा गया था अभी उसी हाल में इसे निकाला गया है और मसाले एकदम ऊपर में हैं। धीरे धीरे ये इसके ग्रेवी में मिक्स हो रहे हैं और अब इसे हल्का हल्का इसे ऐसे चलाया जा रहा है और काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है ना कि ये मटन भी जैसा चिकन का जो हाल है, जो चिकन मुझे फ्लेवर अभी दिख रहा है, जो मुझे फ्रेगनेंस इसका स्मेल मुझे अभी मिल रहा है, वही लग रहा है क्या मतलब मटन के साथ भी वही होगा। ये देखिए ट्रीटमेंट एकदम सेम होगा। ये अभी ढक दिया गया और भाई साहब अभी गरम मसाला डालने का समय आ रहा है। ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से गरम मसाला पूरे तरीके से चिकन अब तैयार हो गया है। ये चिकन तैयार हो चुका है भाई साहब और गरम मसाला ये आपको चारों तरफ भी दिख रहा है। जो स्मेल है ना फ्लेवर वो अभी यहाँ पर मुझे मिलना शुरू हो चुका है और ये इसे ढक के रख दिया गया एंड डैट्स ओवर, हमारा चिकन तैयार। ये देखिए अभी मटन को एकदम अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, ये देख सकते हैं गाइस। ये देखिए भाई साहब एकदम इसे अभी भी ढक दिया गया और भाई साहब यहाँ पर ये जो चिकन है ना ये एकदम ऑलमोस्ट तैयार हो गया और एकदम भीड़ जो है ना अभी से लगना शुरू हो गया और एक कस्टमर यहाँ पर खा रहे हैं। जानते हैं इनका प्लेट आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है टेस्ट आपको? टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। हमेशा खाते हैं जी? दो दिन चार दिन पर खाए। दो चार दिन में? क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार। अच्छा संतोष जी, चलिए मतलब टेस्ट एकदम बढ़िया है, क्या बात है। ये देख सकते हैं इनका प्लेट, चलिए आप इंजॉय करिए खाना। और ये देखिए भाई साहब मटन, मटन का कलर देखिए, हाय 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 हाय, एकदम लर जो है ना, एकदम लर चर्बी तो एकदम पूरा एकदम चारों तरफ बिखरे हुए है भाई। ये देखिए भाई साहब और भाई साहब फाइनली आप देख सकते हैं जो मटन है ना ये अभी एकदम अच्छे तरीके से मतलब एकदम अभी इसका जो ग्रेवी है ना वो खिलने लगा है और इसे ढक दिया गया थोड़ी देर के। और भाई साहब पता है एक शॉकिंग मतलब आपको हम एक आपको बताने वाले हैं इन्फॉर्मेशन, ये अभी चिकन तैयार हुआ है ना ये दूसरा लॉट देखिए उधर अभी मटन चढ़ा हुआ है, ये दूसरा लॉट अभी चिकन का शुरू हो गया 6 kg का, यानी 12 kg एकदम मटन 12 kg चिकन और मटन का 4 आप देख सकते हैं उधर 4 kg और इधर 6 kg चिकन और ऑलरेडी 6 kg चिकन ऑलरेडी तैयार हो चुका है भाई साहब। ये देखिए अभी अलग से इसको तैयार किया जा रहा है। ये देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं चिकन दिखा रहा था उस समय उधर मटन नहीं चढ़ा हुआ था। ये देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से और ये देखिए भाई साहब ये मटन जो है ऑलमोस्ट लगभग अभी तैयार मुझे लग रहा है। कि कितना देर अभी होगा भैया इसमें तैयार होने में? 20 मिनट 15-20 मिनट में ये मटन आपका हो जाएगा तैयार। ये कलर देखिए कितना सही सा कलर आ रहा है भाई, और वीडियो को लाइक करिए भाई साहब। और ये भाई साहब देखिए ये मटन में गरम मसाला, अच्छा मटन मसाला है, ये देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया है। ये कलर आप देख सकते हैं फाइनली जो है ना ये मटन का कलर कितना बढ़िया है और ये दूसरा लॉट चिकन वाला, ये देखिए तो काफ़ी बढ़िया कलर यहाँ पर आपको मटन का दिख रहा है। तो लगभग ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है, फाइनली जो है इसका अंतिम जो चरण है ये अभी आपको दिख रहा होगा और इसके बाद हम लोग भी रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे। ये देखिए क्या बात है, अरे भाई साहब क्या बात है भाई, कितना देर लगेगा अभी तैयार होने में? 5-7 मिनट और, चलिए 5 मिनट वीडियो देखते रहिए। और ये देखिए भाई साहब, अरे बाप क्या बात है भाई, और भाई साहब अभी ये यहाँ पे गरम मसाला जाने वाला है और जो कलर है ना भाई साहब काफ़ी बढ़िया है और चारों तरफ जो है ना गरम मसाला छीट दिया गया है और कलर देखिए। सो फाइनली इट्स ऑल अराउंड अस और मटन की तैयारी हो चुकी पूरी और हम लोग भी निकलवाते हैं और टेस्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं भाई साहब। और भीड़ देखिए, ये देखिए अरे बाप रे बाप, ये तो लग रहा है जलसा एकदम लग रहा है भाई साहब। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग चुकी है, एकदम जलसा सा लग चुका है और यहाँ पर एक कस्टमर हमारे सामने खा रहे हैं। सो कैसा लग रहा है भैया टेस्ट? टेस्ट तो बहुत अच्छा है इनका, बहुत बढ़िया, मतलब हमेशा खाते हैं या मतलब पहला बार खाते हैं? हमेशा, हम तो जब मार्केट जाते हैं तो बन के खाते हैं। अच्छा हमेशा, चलिए क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम तो बिट्टू हो गया। चलिए करिए आप अपना प्लेट इंजॉय करिए। और ये देखिए यहाँ पर हमारे साथ सेम कस्टमर जो है इन्होंने अभी चिकन के साथ यहाँ मटन लिया है, आप देख सकते हैं गाइज। और मटन की तैयारी यहाँ पर होने के बाद गर्म है काफ़ी, कैसा लगा मटन का टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम मस्त टेस्ट है ना। चिकन बढ़िया या मटन?
मटन ही अच्छा लग रहा है। अरे ये तो फिर लेकिन मतलब देखा जाए तो दोनों बढ़िया है। चलिए एकदम क्या बात है, चलिए एंजॉय करिए आप प्लेट। और गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ना, ये जो लाइन है ना भाई साहब, क्या बताएं, मतलब आज का तो दिन जो है ना एकदम मतलब निकल पड़ा भाई। मटन भी देखा हमने, चिकन भी देखा, और भाई साहब सबसे बड़ा तो मतलब मजाक तब हो गया जब 6 kg हमने चिकन दिखाया और फिर बाद में फिर एक लॉट और यहाँ 6 kg तैयार हुआ। तो भाई साहब चलिए चलते हैं आगे और हम लोग अपना रिव्यू करते हैं, बस बने रहे हमारे। अच्छा यहाँ पर एक बार प्राइस बता दीजिए, कैसे कैसे प्राइस है मटन का और चिकन का? मटन 45 रुपये पीस है। अच्छा मटन 45 रुपये पीस है और चिकन? चिकन 25 रुपये पीस है। 25 रुपये पीस, इतना बढ़िया, इतना सस्ता है, इतना बढ़िया टेस्ट खिला रहे हैं 25 रुपये में। और रोटी का क्या पड़ता है? रोटी 5 रुपये पीस। अच्छा रोटी 5 रुपये पीस है ना, ये वाला आपका रोटी हो गया। और ये लिट्टी अगर किसी को खाना हो चाचा तो? लिट्टी तो ऐसा चिकन मटन में 5 रुपये पीस देता है। अच्छा और ऐसा केवल लिट्टी लेने पे 6 रुपये पीस है। अच्छा 6 रुपये पीस पड़ेगा। और कोई लिट्टी के साथ मटन खाना चाहेगा तो क्या पड़ेगा उसका? वही 5 रुपये। 5 रुपये और उसका 45 रुपये पीस है ना। तो क्या बात है भाई साहब, इतना बढ़िया आपको इतना कम दाम में ना कहीं नहीं मिलने वाला है। इतना बेहतर खाना, इतना बेहतर टेस्ट, चिकन और मटन के जो प्रेमी है ना भाई साहब, आइए ये देखिए, ये दूसरा लॉट हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है। ये दूसरा लॉट, ये भी 6 kg है ना, ये कब तक तैयार हो जाएगा? आधा घंटा में। चलिए क्या बात है भाई साहब, 12:30 और इसलिए मैं बता रहा हूँ, चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है ना दूसरा लॉट तैयार हो रहा है यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी देखिए मटन है, इसमें मटन है, आपको एकदम प्रॉपर अभी लाइव में दिखा देता हूँ भाई साहब। ये देखिए, अरे गजब भाई गजब। और इधर देखिए, ये पहले का लॉट 6 kg बना हुआ है। और भाई साहब यहाँ प्लेट आप देख सकते हैं, एकदम हमने एक पीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने एक पीस यहाँ पे लिया है, क्या एक पीस यहाँ पे लिया है मटन और एक पीस यहाँ पे लिया है चिकन, साथ में 2 पीस रोटी लिया है। और ये आप देख सकते हैं प्लेट मेरा हो गया कम्प्लीट। करते हैं रिव्यू, आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो गाइज हमारे पास जो आप देख सकते हैं ये प्लेट यहाँ पर है और करते हैं ट्राई। थोड़ा सा रोटी हमने तोड़ा, रोटी तोड़ने के बाद यहाँ पर हमने मटन के पीसेस के साथ थोड़ा सा इसे के ग्रेवी के साथ हमने ट्राई किया। बहुत गर्म है भाई साहब, टेस्ट ग्रेवी का मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और पीसेस काफ़ी गर्म है इसलिए मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं तोड़ नहीं पाऊँगा अभी। और टेस्ट काफ़ी बढ़िया, चिकन के पीसेस के साथ, थोड़ा चिकन यहाँ देखेंगे थोड़ा सा नज़दीक से, चिकन के पीसेस जो हैं लेग पीस आप लोगों का फेवरेट, अगर पसंद है तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, ये ट्राई करते हैं हम लोग। भाई साहब ग्रेवी में ना, ग्रेवी दोनों बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन अगर बोला जाए ना, ग्रेवी का अगर बोला जाए ना, तो सबसे तगड़ा ग्रेवी ना, सबसे तगड़ा ग्रेवी मेरे पास चिकन का है, सबसे तगड़ा। अब आते हैं ओवरऑल हमारा जो मटन का पीसेस है ना, ये मटन का पीसेस आप देखिए, मैं रोटी के साथ ही इसे तोड़ता हूँ, बहुत गर्म है भाई साहब, बहुत गर्म है, इसे मैं इसे तोड़ता हूँ और काफ़ी बढ़िया है पीसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, पीसेस आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर पीसेस आपको काफ़ी ईजली हैं, काफ़ी ईजली पीसेस हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपके सामने मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, पीसेस बहुत बढ़िया सॉफ्ट हैं, टूट रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। लेग पीस जो है, लेग पीस भी प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी ईजली तरीके से टूट रहा है, ट्राई करते हैं इसके साथ। भाई साहब बहुत बढ़िया है, एक बार आइए यहाँ पे, इसके जायके को अपनाइए और यहाँ पर टेस्ट करिए, बहुत किफ़ायती दामों में है, बहुत ही बढ़िया है और भाई साहब अल्टीमेट जगह है, एक बार आइए, टेस्ट जो है ना, अगर आप टेस्ट खोज रहे हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको फिनिश, मिलते हैं एक नए जगह पे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखना मत भूलिएगा, स्किप मत करिए। और भाई साहब धूप बहुत हो गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और चलिए चलते हैं हम लोग एक नए जगह पर, क्योंकि कॉन्टेंट को तो रुकना नहीं है ना, और धूप बहुत तेज़ है भाई साहब, लेकिन भाई साहब हमारा जो मिशन है ना ये कुछ ज़्यादा लंबा है, ये धूप उसके सामने कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं एक नए कंटेंट के लिए, तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।